हेलो स्टूडेंट्स, अभी आपने क्या सीखा था? व्यंजन, यानी कि मैंने खाली जगह दिए थे और आपको उस पे खाली जगह पर व्यंजन लिखने थे। अब हम करेंगे स्वरों पर गोला कीजिए, यानी जितने भी अक्षर लिखे हैं आपको क्या ढूंढना है? स्वर ढूंढना है और उस स्वर के ऊपर गोला कर देना है। ओके, चलो शुरू करते हैं। पहला अक्षर क्या है? आ से क्या होता है? आम। तो ये व्यंजन है कि स्वर है? स्वर है, ठीक है। तो इसके ऊपर आप क्या करेंगे? गोला कर देंगे। अगला अक्षर है प, तो ये व्यंजन है ई। ई से इमली, ये क्या है? स्वर, गोला करेंगे। ओके, फिर है ट से टमाटर, ये व्यंजन है। आगे देखो ए, ए से क्या होता है? एड़ी, तो ये स्वर है, तो क्या किया हमने? गोला। न से नल, ये व्यंजन है। स से सड़क, व्यंजन है। ऊ से क्या होता है? उल्लू, तो ऊ हमारा क्या हुआ? स्वर, इसलिए हम इस पे क्या करेंगे? गोला। अगला देखें क्या लिखा है अक्षर। म से मछली और बड़ा ऊ से ऊन, तो ऊन जो है वो स्वर में आता है, इसलिए हम इसके ऊपर क्या करेंगे? गोला। ऐसे है ना, ये भी क्या है? स्वर है, इसके ऊपर भी गोला करेंगे। और क से कमल, और कमल यानी क व्यंजन है। आगे देखो छ से छाता, व्यंजन है। ओ से ओखली, तो ये क्या है? ओ क्या था? स्वर, तो गोला किया। अभी ज, ज से जग, तो ये व्यंजन है। अ से अनार, अनार क्या है? स्वर, गोला करेंगे। री से ऋषि, और री भी क्या है? स्वर है, इसलिए गोला करेंगे। ग से गमला, व्यंजन है। ल से लट्टू, ये भी व्यंजन है। बड़ी से ईक, ये है स्वर, इसके ऊपर हम गोला करेंगे। ओके, तो ये भी आपको होमवर्क में करना है, हिंदी की नोटबुक में। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, कीप स्माइलिंग एंड टेक केयर।